मैंने भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार फिर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। रविवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने वहां की जनता से कहा, चिंता मत करो, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। मैंने भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए और पीओके के मुद्दे पर उसे लताड़ते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत की ताकत बढ़ रही है और दुनिया भर में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत की तरक्की देखकर पीओके में हमारे भाई बहन भी अब खुद को भारत के साथ आने की मांग करेंगे। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत में भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार रक्षा मंत्री कई मोर्चों से पाकिस्तान को फटकार लगा चुके हैं। उनके हर बयान के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली देखने को मिलती है। इसके अलावा रविवार को दार्जिलिंग में चुनावी सभा के दौरान राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और वहीं के बिगड़ते हालात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक खराब हो चुकी है। अगर आप किसी भी राज्य का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन बंगाल में हालात आज पूरे देश के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश को गहरा आघात दिया है। जिस सरकार के शासन में महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, उसे सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में एक अराजकता का माहौल है और सारे देश में यह अपने अपराध के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के लिए पश्चिमी बंगाल जानी जाती है। और पश्चिमी बंगाल जैसी धरती पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं और यहां के मुख्यमंत्री महिला के रहते हुए इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सियाचिन के लिए रवाना हुए तो उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि सियाचिन के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान कर रहा हूं, वहां तैनात हमारे साहसी जवानों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। दार्जिलिंग में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। इससे पहले खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में कई जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कितना रंग लाती है और क्या पश्चिम बंगाल में जाकर पाकिस्तान को लताड़ने की स्कीम कामयाब हो पाती है या नहीं, ये तो 4 जून को चुनावी नतीजों के साथ ही पता चल जाएगा। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।